अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कुछ अखबार और कुछ रिसाले जो थे, मैंने सहाफ़त के बारे में हालांकि हम आपको जो है बताया था सहाफ़त का की जो है शुरुआत और उसकी आगाज़, और साथ ही साथ जो है मौलवी मोहम्मद बाकिर का जो दिल्ली उर्दू अखबार है वो भी हमने आपको बताया था। उसी सिलसिले में कुछ और अखबार और रिसाले आपके सिलेबस में हैं उर्दू जीआईसी के, जैसे कि अल हिलाल हुआ, ज़मींदार हुआ, उर्दू मुअल्ला हुआ, ये सब हैं। तो ये सब मैं आपको पीडीएफ जो है भेजना चाहता हूँ। उसके पहले, पीडीएफ भेजने के पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, तो देखते हैं। पीडीएफ पर चलने से पहले साथियों, एक छोटी सी गुजारिश है हमारी कि आप हमारे इस चैनल को यूपी उर्दू जीएस एकेडमी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि सबको फ्री पढ़ने का मौका मिले और तैयारी करने का मौका मिले। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा चैनल दूर दूर तक जाए। और जो गरीब लोग हैं, जो है उर्दू की तैयारी करने में उनको दिक्कत हो रही है, वो हमारे इस चैनल से जुड़ें और अपनी उर्दू की तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलते हैं उर्दू पीडीएफ पे, तो चलते हैं, देखते हैं। पहले आप देख लीजिए कुछ जो उर्दू अखबारात हैं और रसायल हैं। देखिए यहाँ पर, आप थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 13 जुलाई 1912 से हफ्तावार अखबार अल हिलाल, देखिए ये अल हिलाल जो आपके सिलेबस में है उर्दू जीआईसी के, तो अल हिलाल के बारे में जो भी कुछ है मौजूद है, हम आपको पीडीएफ के ज़रिए अपने टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से, यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से, अल हिलाल अभी अल हिलाल ही चल रहा है। ये अल हिलाल ने कौम को झिंझोड़ कर ग़ुलामी की नींद से जो है बेदार किया, तो अल हिलाल अभी चल रहा था। इसी में साथ साथ जो है अल हिलाल के साथ साथ आपको मिलेगा रिसाला ज़माना, ठीक है, एक रिसाला है ज़माना, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ उर्दू मुअल्ला, देखिए उर्दू मुअल्ला मौलाना हसरत मोहानी का है, ये उर्दू मुअल्ला हो गया, तो उर्दू मुअल्ला हो गया, ज़माना हो गया, और इसी में ज़मींदार भी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़मींदार, ये ज़मींदार, ज़मींदार। तो आप लोग इस पीडीएफ को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो आपको ज़मींदार मिल गया, अल हिलाल मिल गया जो अहम है, और ज़माना मिल गया, और मौलाना जो है अल्लामा इकबाल का अल हिलाल मिल गया। इसके बाद मैं और भी पीडीएफ भेजूंगा आपके पास, लेकिन ये फ़िलहाल 3-4 रिसाले जो हैं, जैसे कि अल हिलाल हो गया, ज़मींदार हो गया, ज़माना हो गया, उसी के साथ साथ उर्दू मुअल्ला हो गया। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करें, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उससे भी जुड़ें। व्हाट्सएप का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया हूँ और फिर भेज दूँगा। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि व्हाट्सएप के लिंक से आप जब जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहाँ पर 1 अप्रैल से सिलसिलेवार पीडीएफ फर्स्ट यूनिट से लेकर 4th-5th यूनिट तक सारा पीडीएफ हम भेजेंगे वहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप फिलहाल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पर ये मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, और वहीं पर लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ मैं वहीं पर भेज दे रहा हूँ। तो अल हिलाल हो गया, ज़मींदार हो गया, ज़माना हो गया, और उर्दू मुअल्ला हो गया। तो ये सब रिसाले और अखबारात हैं जो आपके उर्दू जीआईसी सिलेबस में हैं। तो यही आपको बताना था, ये पीडीएफ मैं भेज दे रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।